टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया को पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में मिला सिल्वर मेडल। फाइनल मुकाबले में रशियन ओलंपिक कमेटी के खिलाड़ी जबूर उगुएव को मिला गोल्ड। ओलंपिक खेलों के 86 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया सेन मरीनो के खिलाड़ी माइल्स एमिने से 2-3 से हारे, हाथ से निकला ब्रोंज मेडल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा वैक्सीन की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो कोरोना के हालात हो सकते हैं गंभीर, ना करें भेदभाव। 2012 का विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून खत्म करेगी केंद्र सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस कानून की वजह से सरकार का वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ हुआ था विवाद। सिविल सोसाइटी संगठनों और विशेषज्ञों की टीम का खुला पत्र, सर्वलायंस तकनीक की बिक्री, लेन देन और इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग। अफगानिस्तान में तालिबान की रफ्तार रोकने के लिए अफगान सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में रेडियो और टेलीविजन सेंटर पर तालिबान विद्रोहियों का कब्जा। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने की बरसी पर बोले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, आरएसएस से प्रेरित है भारत सरकार की बर्बरता।